एक शिया मोल विच चलो एक सुननी है कह रहे दे सकते हो बंदी इस इलाके डिंगे के बड़े जड़े ने मोहतबर उन्होंने बूहे के जाइए उन्होंने आखिए भी ज्यादा तकलीफ की लड़ नहीं ना मस्जिद जाने की लड़ है इतने बरूह खलोते खलोते एक मसला पूछण आया वो पूछण केड़ा बूहे के दिल करता है आज कुरान ते हाथ रख के मैं पूछा वो जरा सहाबा दरूद पूछया सी ते नबी दसया सी वो केड़ा है बस ऐनी गल नहीं आबाद रहो नसाब के मसले हल हो जाएंगे सारा नसाब ठीक हो जाएगा चौथी च पा तो भावें पंजवीं च पा छेवीं च पा तो भावें अठवीं च पा एक बार दसण तो सही होला मा सहाबा जो पूछया वो दरूद हुंदा की और नबी केड़ा दसे पूरी दुनिया के उलमा आखणगे एक ही केड़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या व अला आले मुहम्मद या कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद हां ए सहाबा पूछे ए नबी दसे कुरान दा ना ही इस दुरूद नु इब्राहिम तक ले जा सहाबा नहीं वे चाहुंदे या मुहम्मद ते मुहम्मद दी आल आउंदी है या इब्राहिम ते इब्राहिम दी आल या खलील ते खलील दी आल आउंदी है या हबीब ते हबीब दी आल आउंदी तू की कीता सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम अठवीं तक पा दिता ने मैं पढ़ ले अठवीं जमात दिया किताबां तक पहला लिखते सन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रौला पा पा के मैं क्या यार ओए आले ही लिखा करो ओए बच्चे आले ही लिखा कर उन्हें फिर आख्या लो जी मैं एक घर कर दूँ दसा पुरानी तकरीर या नमाज च भी मुहम्मद तक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बस ते जे नमाज च आल ते दरूद है ते फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना क्या करो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वह किसे वेले किसे दे ज़हन च गल आई है उन्हें फिर की आख्या उन्हें आख्या लो जी जे फिर असा आ असा आले ही आखना ना तो फिर नाल असा सुहाबे भी आख मैं एक मजलिस से गया उतो एक हाफिज़ साहब पर निकलते सर मैं जानते सन थोड़ा बहुत नाबीने सन बिल्कुल तो मैं सलाम अलैकुम आख्या तो पहचान गए मौली साहब ने मैं क्या जी मैं जा रहा है जी बड़े काले तुम पता कूंदे ने मैं क्या आओ तुम रोटी खुवाई रोटी खाने लगे उन्हें मैं खा ली मैं क्या चावल जे तगो की आंदे मैं फिर लूणे मिठे रला के खाने नहीं तो मैं रला के खा लो आ जाओ मैं इंज लगे जिमें बंद आख्या या तो असा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखना है जे सानू आले ही आखना पिया तो असा नाल असहाबे ही भी आखना लै भाई एक तेन मैं दसा मैं तो मशवरा ही दिता जी वड्या लोगों को गुस्सा ही लगा जिन्होंने दिता मैं इन्हू आख्या हूँ ना बंदे बैठे ने इजलास हो रहे हैं इजलास हो रहे हैं क्योंकि साढ़े उला मां ने आख्या कि नसाब में मसलिक वाला दरूद ना रखो दीन वाला दरूद मसलकी दरूद और है और दीन वाला दरूद और है उन्हें आख्या दीन वाला कहना है उन्हें आख्या नमाज बच हूँ उ मीटिंगा भी होंगे तो गैर फस पैड़े पैड़ा को फसया हो तो मशवरा तो ठीक देना चाहिए साढ़े पिंड एक मशवरा बंदे दिता ही उन्हें मार खा ली वडेरा बंदा सी बहुत माड़ा चाचा अल्लाह दिता उन्होंने आंदे तो माड़ा बंदा किसी जुगत भी करे तो अगले गुस्सा भी लगे तो की किसे आखना लेकिन उन्हें धक्का मार दिता माड़ा बंदा ट्रैक्टर फस गया पै दे विच मीहां च सौन भादरों मिट्टी पैड़ी सी वह पैरों पर ज्यों ज्यों खिंचण ना अगला ट्रैक्टर पा के खिंचण कसा के तो फिर थले कसा के तो फिर थले अद्धा कु बाहर रह गया अद्धा कु पैद विच लंघ गया वो चाचा अल्लाह तो माड़ा बंदा चुप कर अगे गुस्सा चढ़िया उन्होंने वो जो सवेर के खपते ने पै वो तो अगे मरण से आए तू वे क्या की हो क्या अल्लाह माफ उन्हें चाचा ट्रैक्टर फसे तुम दिसदा तो नहीं अगे तंग सानू दिसदा नहीं ट्रैक्टर फसया कढ़ने पर नहीं निकलता उस आख्या नहीं जो निकलता उस आख्या चाचा नहीं निकलता जा उस आख्या ये तो मिट्टी पा छोड़ो सौ अगो सौन पदरों निकलता तो कर ले ना मर के चाचे ने छुड़ाया
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਕਰ। ਅੱਗੋਂ ਭੈੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠੀ ਪਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਗਣ ਚੇਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਸਹਾਬੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜੇ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸਹਾਬਿਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਲਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰੂਦ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਰੱਖੋ ਕਿਨਸਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬੱਚੋ ਬੱਚੋ ਬੱਚੋ, ਯੇ ਵਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਖੁਲਤੇ ਥੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੀਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸੀ ਲਈ ਹਮਨੇ ਡਾਲੇ ਥੇ। ਔਰ ਅਬ ਹਮ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਦਰੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਦਰੂਦ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਵੱਖਰੇ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਚੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੱਲ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਛੇਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ 'ਚ, ਉਤਲੇ ਬੰਦੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਪਾਓ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵਅਲਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਕਮਾ ਸੱਲੈਤਾ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮਾ ਵਅਲਾ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮਾ ਇਨਕਾ ਹਮੀਦੁ ਮਜੀਦ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡੋ, ਆਲ ਹੀ ਵਸਵਾਬੇ ਹੀ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਗੋਂ ਚਾਚੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੀਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਹੈ।